आगामी 13 मई को आसनसोल लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। रविवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में सभा हुई। इस सभा में मंत्री मलय घटक, मंत्री प्रदीप मजूमदार, तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सभी पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि, सभी ब्लॉक के अध्यक्ष एवं शाखा संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव प्रचार से जुड़ी रणनीति तय की गई, साथ ही पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं को आपसी विवाद भुलाकर एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी। अपने भाषण में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पिछली बार वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर आसनसोल से चुनाव लड़ने आए थे और इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर ही यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस सीट पर जीत हासिल करना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सम्मान की रक्षा करने के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता ममता बनर्जी की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक देगा। कहूँ बहुत जबरदस्त है ये इंडिया गठबंधन का जो आज यूनाइटेड ओपोजिशन का जो मीटिंग हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है और ये एक चेतावनी है। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया एनडीए का, भारत के भारतीय जनता पार्टी या हमारे अपने एनडीए के लिए ये बहुत ही मीटिंग जो है घातक साबित होगा, क्यों मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से भारत की सरकार और ख़ासकर हमारे बीजेपी और एनडीए के दोस्तों ने जिस तरह का रवैया लिया है, गवर्नमेंट एजेंसीज का दुरुपयोग करके एक के बाद एक जो केस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, जैसा कि निर्मला सीतारमन रमन जी के पति ने ही कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये लगता है तरह तरह के रेड्स हो रहे हैं और तरह तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसी का जवाब देने के लिए आज एक गुट और एकजुट होकर जिस तरह इंडिया गठबंधन, जिसमें कि भारत के चाणक्य माने जाने वाले अपने शरद पवार जी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें अपना राहुल गांधी जी भी हैं, इतने बढ़िया हमारे खड़गे साहब हैं, उसमें आज आपने देखा होगा देश का यूथ लीडर हमारा अखिलेश यादव, यहाँ बहुत ही दमदार नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ आपने हमारे तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही विद्वान और लोकप्रिय नेता डेरेक ओब्रायन भी हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में, अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।